बॉबी जी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीएम मोदी के भाषण में राजीव गांधी के जिक्र पर भड़के राहुल और प्रियंका, कहा मेरे पिता का नाम भी आपको नहीं बचा पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी पर पीएम मोदी के हमले पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी जी अब लड़ाई खत्म हो गई है, आपका कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे खुद के बारे में अपनी आंतरिक सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा। राहुल ने लिखा कि मेरा बहुत सारा प्यार। उधर प्रियंका गांधी ने लिखा, शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निर्धार किया। जवाब अमेठी की जनता देगी जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। हाँ मोदी जी, यह देश धोखेबाज को कभी माफ नहीं करता। हालांकि शनिवार को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी रैली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वराजीव गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि आपके पिता को उनके दरबारी मिस्टर क्लीन कहा करते थे, लेकिन उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में हुआ। नामदार के अहंकार आपको खा जाएंगे। ये देश गलतियां माफ करता है मगर धोखेबाजी को माफ नहीं करता। महामिलावट आने से देश को पांच खतरे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को महामिलावट बताते हुए कहा कि ऐसी सरकार आने से देश को पांच खतरे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।